और अब संक्षेप में आपके शहर की कुछ खबरें। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 10वीं की छात्रा ने छिड़खानी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पीड़ित ने केरोसिन डालकर घर के अंदर ही खुद को जिंदा जला लिया। लड़की पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। गोरखपुर में बदमाशों ने एक LIC एजेंट को सरेआम गोली मार दी। बाइक सवार बदमाशों ने एजेंट के पास से कलेक्शन के पैसे भी लूट लिए। घायल एजेंट को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जयपुर के मालवीय नगर इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची को गंभीर हालत में जेकेलोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। राजस्थान के रतनगढ़ चूरू में युवक ने फायरिंग करने के बाद गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे में धुत था। यूपी के वृंदावन में हरिदास जी के जन्मोत्सव को 2 दिन का संगीत महोत्सव और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकारों ने स्वामी जी को अपनी कला के जरिए श्रद्धांजलि दी। आगरा में गणेश पूजा के दौरान महिलाओं से छिड़खानी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूजा के दौरान कुछ युवक नशे की हालत में आए और महिलाओं से छिड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने पर पथराव भी किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आगरा की जूता फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। दरअसल फैक्ट्री में लगी आग पास के गोदाम में भी फैल गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के शाहजहांपुर में 3 ट्रकों की टक्कर में 2 ड्राइवरों की मौत हो गई, जबकि 2 हेल्पर घायल हो गए। पंचर बनाने के लिए ट्रकों के ड्राइवर पहिए खोल रहे थे कि तभी पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 ट्रक खाई में जा गिरे।